कोरोना से जंग जीतकर 21 दिन बाद घर पहुंची बेटी, एसपी ने खोला कंटेनमेंट एरिया। रीवा शहर का एकमात्र कंटेनमेंट जोन इंदिरा नगर आज जिले की दूसरी कोरोना पॉजिटिव बेटी के घर पहुंचने के बाद खोल दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला तथा लोगों ने पुष्प वर्षा कर पुलिस का सम्मान किया। वहीं एसपी आबिद खान ने नगर वासियों के अदम्य साहस को सलाम करते हुए नगर के लोगों का मल्यार्पण कर सम्मान बढ़ाया। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर को 21 दिन पूर्व डॉक्टर राजेश सिंगल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेश सिंगल की बेटी और बहन कोरोना पॉजिटिव निकली और अब जिले की पहली और दूसरी कोरोना पॉजिटिव यह बेटियां कोरोना से जंग जीत चुकी हैं। एक सप्ताह पूर्व डॉक्टर राजेश सिंगल की बहन सरिता अग्रवाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस गई तो आज 21 दिन बाद उनकी तथा रीवा की बेटी तनिषा सिंगल भी कोरोना से जंग जीतकर आज अपने घर पहुंची। ये मोहल्ला वासियों ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। तब पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने घोषित किए गए कंटेनमेंट एरिया को खोल दिया, जिसके बाद उत्साहित लोगों ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए उन पर भी पुष्प वर्षा की। बाद में मोहल्ले वासियों के अदम्य साहस को सलाम करते हुए एसपी आबिद खान ने नगर के लोगों का मल्यार्पण कर सम्मान बढ़ाया। इस दौरान उत्साह का परिचय देते हुए क्षेत्र के थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने कोरोना से जंग जीत कर घर आई बेटी के लिए गीत गाया तथा हौसला अफजाई करने नृत्य की भी प्रस्तुति की गई। मतलब बहुत दुख हुआ कि हमारे मोहल्ले में ऐसी घटना घटी, लेकिन आज हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे एरिया में इतनी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद जितने मतलब मोहल्ले के लोग हैं बहुत अच्छा सहयोग किया। हम सभी का आभार करते हैं और यहाँ के प्रशासन का भी आभार करते हैं, मीडिया का आभार करते हैं, बहुत अच्छा कवरेज दिया और जो स्वस्थ होकर बच्चे उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। फूलों से स्वागत भी किया आप लोगों के द्वारा, सब पूरे मोहल्ले को हर घर से फूल निकल कर आएंगे जैसी जानकारी हुई कि मरीज ठीक होकर आ रहा, सभी लोगों ने मतलब उसका स्वागत किया। बस हम लोगों को आज मतलब अच्छा लग रहा है कि पूरे हमारे मोहल्ले में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बाद हम आज जंग जीत के आए वापस घर लौट के। और संजय गांधी में थी मैं अभी 21 डेज से। माता पिता से दूर रह करके कैसे आप अपनी इम्यूनिटी वगैरह मजबूत कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे ठीक कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रहना था वहाँ पे तो रही मैं 21 डेज। आज स्वागत किया है मोहल्ले वासियों ने आपका। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके यहाँ पे सब लोग के साथ। लोग हैं कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए कि अगर किसी को हुआ भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, सबको ठीक हो जाएगा। एंड आई विश कि जितने भी और भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनका भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और बहुत जल्दी सब लोग अपने अपने घर लौटें। मालूम है रीवा में 29 तारीख को यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, जब 27 को पॉजिटिव केसेस दो आए थे इंदिरा नगर में, तो डॉक्टर राजेश सिंगल की बेटी और उनकी सिस्टर आई थी, और तब से लेकर के 21 दिन तक ये पूरा एरिया कंटेन्ड रहा है। ये गली जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं ये सबसे पहले 25 तारीख को ही कंटेन कर दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर सिंगल की जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन 21 दिनों में इस पूरी इंदिरा नगर कॉलोनी ने, जिसमें कई सारे वार्ड शामिल हैं, लोगों ने संयम का परिचय दिया, कोई भी बाहर नहीं निकला, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। और उस समय जबकि पूरे रीवा में सब तरह की छूट खोल दी गई थी, दुकानें खुल गई थी और सब तरह के मार्केट्स खुल गए थे, ऐसी स्थिति में बंद रहना और बाहर ना जा पाना ये एक बड़ा मुश्किल समय होता है। सब तरफ जब बंद था रीवा तो उस समय ये बंद हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ये कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ उस समय पूरा रीवा खुल चुका था। और ऐसे समय में अपने आप को संयमित रख करके यहाँ पे लोगों ने 21 दिन तक, एक तरह की सेल्फ जेल हो जाती है कंटेनमेंट जब हम घोषित करते हैं, तो आदमी कहीं निकल नहीं सकता क्योंकि बाहर बंद है, घर के बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, कैमरे लगे रहते हैं, तो घरों में लगातार 21 दिन तक रहना, छोटे घर हैं किसी के, बड़े घर हैं, हर तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं, तो लोगों की इस सैक्रिफाइस को हम लोग आज यहाँ पे सल्यूट करने आए थे। हम यहाँ लोगों को धन्यवाद देने आए थे कि जिस तरह का परिचय उन्होंने दिया है इस 21 दिन में, जो संयम रखा है, जो सैक्रिफाइस किया है कोरोना की लड़ाई के लिए, उसमें जो अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया और उसका हम लोग साधुवाद करने आज यहाँ आए थे। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं मध्यभूमि की बोल और ये है रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।